दो ही खूबियां कि मैं बहुत कम खाता हूं और बहुत कम सुनाता हूं। कम खाता हूं इसलिए मैं जिंदा रहता हूं, कम सुनाता हूं इसलिए आप जिंदा रहते हैं। मेरी बीवी मुझसे एक बार बोली कि भगवान जब मर्दों को अकल बांट रहा था तब तुम क्या कर रहे थे। मैंने कहा मैं तेरे साथ फेरे ले रहा था। कि इनकी आशिकी में जो मुगेरी लाल हो जाए, समंदर धीरे धीरे घटते घटते ताल हो जाए, और मधुर मुस्कान के बदले चपत ऐसी लगाती है, मधुर मुस्कान के बदले चपत ऐसी लगाती है, वो बिड़ला हो कि टाटा अंततः कंगाल हो जाए। विदेशी वस्तुओं की होली आपने जलाई बापू, हमको विदेशी माल सबसे ही प्यारा है, चरखा तो भारत में घायल सा दिखता है, खादी हुई नेताओं के वोट का सहारा है, अंग्रेजी अंग्रेजी हर ओर अंग्रेजी, हिंदी से तो कर लिया हमने किनारा है, तो गोडसे की गोली से मरा था गांधी का शरीर, गांधीवादियों ने गांधी आत्मा को मारा। जब से बात होती है, जब राम जन्मभूमि की बात आई, लोगों ने कही प्रमाण लाओ चलो सुप्रीम कोर्ट, गर्भगृह की बात आई प्रमाण लाओ चलो सुप्रीम कोर्ट, राम सेतु की बात आई प्रमाण लाओ चलो सुप्रीम कोर्ट, राम की बात आई प्रमाण लाओ चलो सुप्रीम कोर्ट। एक टिप्पणी करता हूं, आप देश की क्रीम हो, आप तक पहुंचे तो पूरा सदन तालियों से गूंजना चाहिए कि ये लाओ चलो सुप्रीम कोर्ट, राम सेतु चलो सुप्रीम कोर्ट, राम चलो सुप्रीम कोर्ट। सूरज पूरब में निकलता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। कि तन में तरंग मन में उमंग की लहर जोशीली जवानी लहू में उफान चाहिए, जिसे देख सीने में फफोले दुनिया के पड़े मुझे ऐसा प्यारा मेरा हिंदुस्तान चाहिए, और जहां संस्कारों का हनन हो वहां पे, और गौर करना बात पर, कि जहां संस्कारों का हनन हो वहां पे इंद्रप्रस्थ जैसी शाला और गुरु महान चाहिए, जहां अनुगुंज रूपी शेरों की फसल उगे भारती को ऐसे खेत खलिहान चाहिए, जहां अनुगुंज रूपी शेरों की फसल उगे भारती को ऐसे खेत खलिहान चाहिए, भारती को ऐसे खेत खलिहान चाहिए, भारती को ऐसे खेत। गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी और इनके छात्रों का मैं तीसरी बार यहाँ आया, लेकिन इस बार जो रेस्पॉन्स था ना वो सब बार से ज़्यादा था। ये गूंज जो कि विश्वविद्यालय के अलग अलग कॉलेजेस में जा रही है, ये विश्वविद्यालय से बाहर निकलकर पूरे भारत में जाए, पूरे दुनिया में जाए, आज तो इंटरनेट से ये संभव है, ये अपन प्रयास करें। हास्य कवि सम्मेलन है, इसके दो पर्पस रहते हैं, एक तो जैसे सारा दिन बच्चे काम करते रहते हैं तो शाम को उनका थोड़ा एंटरटेनमेंट और एक रिलैक्स्ड इन्वायरमेंट भी उनको चाहिए होता है, क्योंकि सुबह 9 से 5 तक वो किसी ना किसी इवेंट में कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, और दूसरा ये होता है कि इन इवेंट्स के माध्यम से भी एक संदेश पहुंचाया जाता है। हास्य मनोरंजन के साथ साथ कुछ ऐसी प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया जिसमें सामाजिक और नैतिक विषयों पर चर्चा की गई। पहले तो मैं चौंका, फिर मैं चिल्लाया, अरे कौन है तू, कहां से आया? उसने कहा मैं तेरा गुजरा हुआ कल, तेरा अतीत, पूछती थी नारी जहां सती शक्ति बनकर, पर अब यह कौन सी सभ्यता पनप रही है जो माँ बहनों की इज्जत को डस रही है। जो आज हमारे सामने बैठे हुए हैं ये भी कभी प्रतियोगी रहे होंगे, तो ये भी हमारे मन के अंतर्बंध को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, ये भी जानते हैं कि यहाँ बैठा हुआ हम कैसा महसूस कर रहे हैं, हमारे मन में कितने सारे उद्गार हैं, एक डर,
कि यदि अभी किसी ने मेरी किसी भी बात पर आपत्ति उठाई और मुझे बोलने से मना कर दिया गया तब मैं क्या करूंगी, क्या मैं हार जाऊंगी, घर जाकर क्या कहूंगी, और यदि मैं जीत गई तो सबसे पहले मैं किसे दूरभाष लगाऊंगी और बताऊंगी अपनी खुशी की बात, अपने दिल की बात। लड़कियों के नखरे बात बात पे टोकना, बात बात पे टोकना, कोई ऐसा दिन नहीं जब आप पे कोई आपत्ति ना उठाई जाए, उठाई जाए, उपाय उठाई जाए। लड़कियों के नखरे इस केवल एक मिनट प्रतियोगिता में आज हमें बड़ा ही बहुत ही खुश होने बड़ा ही बहुत ही लड़की के नखरे गानों से लेकर फिल्मों तक हर जगह प्रसिद्ध है। लड़की के नखरे चलते चलते कभी किसी लड़के को देखने को मिल जाते हैं, कभी उनकी मम्मी को। के अलावा छात्रों ने अपने अभिनय द्वारा सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगी, 10,000 रुपए दिए वो भी नगद। क्या तू जाकर बेटी को फेंक दिया? तो भाग उसका छोड़ जाए करूं तो मैं भी उसकी मां हूं। मेरी बुद्धि बुड्ढे के साथ कहीं नहीं जाएगी। अरे बुड्ढा किसको बोल रही है? ए तो पान तुम्हारे में तो नहीं काम चुका। मैं भी आपकी तरह कॉलेज जाना चाहता हूं पर But winning is the best thing. हम सभी को टीम को यही लगता है कि we performed the best. हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करने आए थे, जितने भी आए थे मतलब ऐसी बात नहीं है, बट हम नहीं जीते, हम लोग को ना फर्स्ट मिला ना सेकंड मिला ना थर्ड, और हम पिछले 3 साल के फर्स्ट प्राइज विनर हैं। जब कंपटीशन होगा तो हार जीत होगी, पार्टिसिपेट करें पार्टिसिपेशन की भावना से। हो सकता है कोई बहुत अच्छा परफॉर्मर हो लेकिन वो फर्स्ट ना आ पाए, यही सीखना होगा कि जीत है तो बड़ी अच्छी बात है, हार है तो अगली बार से। अनुगूंज का मंच न केवल पश्चिमी संस्कृति को दर्शाता है बल्कि भारतीय सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा छात्रों को जोड़ने में अहम भूमिका भी निभाता है।